أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة حج سورة حج مدنی ہے شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑا حادثہ ہے اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا उस दिन यह हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मतवाले नज़र आएंगे, मगर वे मतवाले नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक खुदा का अजाब सख्त है और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा की शान में इल्म और सूझबूझ के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वह उसको गुमराह कर देगा और दोजख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक है हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी शुरू में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उसमें उससे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट पूरी भी होती है और अधूरी भी, ताकि तुम पर अपना पैदा करने वाला होना जाहिर कर दे और हम जिसको चाहते हैं एक मुकर्रर मियाद तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुँचते हो और कुछ बुढ़ापे से पहले मर जाते हैं और कुछ बूढ़े खुसट हो जाते और बुढ़ापे की बहुत ख़राब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाते हैं। और ए देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में ज़मीन सूखी पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मेह बरसाते हैं तो वह हरी भरी हो जाती है और उभरने लगती है और तरह तरह की रौनकदार चीज़ें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि खुदा ही सब कुछ कुदरत रखने वाला है जो बरहक है, और यह कि वह मुर्दों को जिंदा कर देता है और यह कि वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और यह कि कयामत आने वाली है इसमें कुछ शक नहीं, और यह कि खुदा सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा, और लोगों में कोई ऐसा भी है जो खुदा की शान में बग़ैर इल्म व दानिश के और बग़ैर हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ता है और घमंड से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को खुदा के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और कयामत के दिन हम उसे जलती आग के अजाब का मज़ा चखाएंगे। ऐ सरकश, यह उस कुफ्र की सज़ा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।